जी सर, आपको भी सर। हाँ, और बताइए, बहुत दिनों बाद चर्चा हो रही है। अरे सर, हमने कहा कि आज 26 जनवरी था, आप से जय हिंद कर लें। हाँ, जय हिंद के अलावा और कुछ भी जोर से करिए। जी सर, क्राइम फ्री भारत को 50 करोड़ लोगों के बीच में पहुंचाना है, जी और सर, जी फिर सर, सरकार से सकारात्मक संवाद स्थापित करना है। जी 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 इसके अलावा और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, जी जी ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई है कि नहीं आई है कि पार्टी तंत्र जो है, जिस पार्टी शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, जी वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से पार्टी को घुसेड़ दिया गया, जी और प्रजातंत्र के तहत तरह की जगह पार्टी जी तंत्र स्थापित हो गया, बिल्कुल और उस पार्टी तंत्र ने अपराधियों को वरीयता दी, गलत चरित्र के लोगों को वरीयता दी, जी पैसे लेके टिकट बांटे, जी अपराधियों को टिकट बांटे, और जी जो दूसरी जगह पार्टियों से मौका प्रस्त लोग आए, जी उन्हें जो है भिखारियों जैसा फड़ फैला के जो है ना अपने दामन में समेटा जी और पार्टी तंत्र स्थापित कर दिया। जी आज आपकी जो आपके जो नेता हैं चुने हुए, जी जी चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें आपने अपने वोट से चुना है, वो आपके प्रतिनिधि हैं, जी वो आपकी बात कहने की स्थिति में ना तो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जी क्योंकि उन्हें जी पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप्स में बांध के रखा, और आपको पार्टी उसके बाहर भी जो है, पार्लियामेंट के बाहर भी, वो पार्टी डिसिप्लिन के नाम से अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है उसके खो जाने के डर से वो जी बहुत ज्यादा डरे हुए प्राणी हैं। बिल्कुल जी तो अब जो है प्रजातंत्र स्थापित करना होगा, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात कहने की सामर्थ्य ही नहीं रख रहे हैं, लिहाजा हमें शासन से सकारात्मक संबंध संवाद स्थापित करने का नया तरीका बनाना होगा, और जी वो जो है वही होगा जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाया है, जी जिसमें कि दीपक जलाइए, थाली बजाइए, और साथ में क्राइम फ्री भारत का वो वीडियो भी चलाइए जिसमें जी हम जो है सरकार से संबंध स्थापित करते हुए क्या चाहते हैं उसकी मांग करेंगे। जी यदि वो समय सीमा में कर लिया गया तो हम शासन की स्तुति करेंगे, उनका ऐशोगान करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, और पुनः जो है उनके फेवर में दीपक भी जलाएंगे, थाली भी बजाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे, और जहां पर वो हमारी बात नहीं मानेंगे वहां हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें नहीं, और यदि वो विवश भी नहीं होते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं, तो फिर हमें भगवान राम की तरह जो है अपना वो प्रकोप दिखाना पड़ेगा, इतने न माने जलद जड़ गए तीन दिन भूत, बोले राम सकोप बस भय होए न पीत। तो साहू जी, आप बात समझ रहे हैं, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर यह संदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सही है सर। यार, हम कुछ कारण बस नहीं पहुंच पा रहे, तत्काल आप आओ 12 बजे। तो जी सर, मेरे ख्याल से कुछ बातचीत बैकग्राउंड में चल रही है, तो इस वार्तालाप को अपन यहीं विराम देते हैं। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आओ हम संकल्प लें कि अपने देश को पुनः जो है पार्टी तंत्र से मुक्ति दिलाएं, सही मायने में प्रजातंत्र बनाएं, हम अपने राजतंत्र को अपराधी विहीन करें, हम जो है कर मुक्त भारत, खर्च मुक्त और चुनाव व्यवस्था, और तीनों जो हमारी विंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उनका सही मामले में सेपरेशन करके सही मायने में
एक लोकतंत्र स्थापित। बिल्कुल सर, होगा सर, लेकिन उस वो तभी होगा जब हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश कर पाएंगे, और उसके लिए मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है शासन से सकारात्मक संवाद। क्योंकि आज आप उनको कोई आवेदन देंगे तो वो कचड़े में चला जाएगा, यदि आपका कद बड़ा हो जाएगा तो वो हो सकता है आपको समय भी दें, आपकी बात भी सुने, लेकिन चूंकि सोच नहीं होगी तो वो समय पास करने का मूर्ख बनाने की प्रक्रिया होगी। तो हमें अपने वोट से अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए विवश करना पड़ेगा। जिन लोगों ने संविधान को साथ गड़बड़ी की, जिन्होंने आपके जो एक्ट बनाए हैं उनके साथ गड़बड़ी की, वो भी हमारे चुने हुए थे। अब हमारे नए चुने हुए प्रतिनिधि उस जो गड़बड़ी है उसको ठीक करें। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो कि लॉर्ड बन गई है, उसे अकाउंटेबल बनाया जाए, ऑफ एन लॉ ऑफ टॉर्ट बना के हम उसे जो है, यदि वो कुछ गलत निर्णय लेती है उसे कंपनसेशन देने के लिए भी विवश करें। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हम अपने ज्यूडिशरी को भी पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के क्लचेस से बाहर निकालें, और वो भी यदि जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेती है तो उसे भी अकाउंटेबल बनाया जाए। ये कदापि ठीक नहीं है कि पटवारी गलत नापतौल करे, ब्यूरोक्रेसी गलत निर्णय ले, आम आदमी 20-20, 25-25, 33 साल कोर्ट में भटकता फिरे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है हत्याएं भी हो जाए, लेकिन इन गलत निर्णय लेने वाले मठाधीशों का, इन लॉर्ड्स का कुछ ना बिगड़े, यह अकाउंटेबल व्यवस्था नहीं है। साहू जी, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, कल किरण रिजिजू ने कहा है, कानून मंत्री ने, न्यायपालिका को भी अपनी लैंग्वेज को सुधार कर रखना होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के क्लचेज में है। आज आप मुझे बताइए कि आपके हाई कोर्ट का जज कौन बनता है? बहुत सारे ऐसे वकील भी बन जाते हैं जिनकी दुकान नहीं चलती है। बिल्कुल सर, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो यदि वो कम उम्र में हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बनेंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनेंगे, और आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। बिल्कुल राइट सर, आपने कहा कि तो वो सिस्टम में आ गए। तो हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। हमें हमारे जो है एग्जीक्यूटिव इनका चयन नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था लाना होगी जिससे कि हमारी जुडिशरी किसी के दबाव में काम ना करे, एट द सेम टाइम वो अकाउंटेबल हो अपने डिसीजन के लिए। यदि वो ऐसा कोई डिसीजन लेती है जिसको वो खुद डिफेंड नहीं कर पाती है तो उसे कंपेंसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए। और हमें इसके लिए विदेशों में नजीर खोजने की जरूरत नहीं है, भारत अपनी नजीरें खुद स्थापित करता है, हम अपनी नजीरें खुद स्थापित करें। हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक बार वो मंत्री बन जाते हैं, एक बार पूरा गठन हो जाता है, तो हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरे अपने टेन्योर के दौरान अपना कार्य करेगी, उसे बहुमत या कम गहमत या इसके आधार पर गिराया नहीं जा सकता है। वो केवल डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज के तहत यदि अपने ही कुछ गड़बड़ कर देते हैं तभी जो है वो सत्ताच्युत होंगे। उन्हें जो है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने का हक नहीं, उन्हें लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में जाकर कानून पेश करेंगे लेकिन वो उस पर वोट नहीं कर सकते हैं। हमारी लेजिस्लेचर एक एक क्लॉज पे चर्चा करेगी, उसमें जो भी परिवर्तन आवश्यक समझती है वो परिवर्तन करेगी, और इसके लिए उसे एग्जीक्यूटिव के प्रति अकाउंटेबल नहीं होने होगा। हमें ऐसी सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था करना होगी
तभी हम जो है पार्टी तंत्र से अपने प्रजातंत्र को लोकतंत्र को अलग कर पाएंगे। जहां देश में चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र होने की जरूरत है, वहां यह बात कदापि ग्राह्य नहीं होना चाहिए कि हमारे कानून के निर्माता 42% अपराधी क्यों और 29% जघन अपराधों के अपराधी। यदि यदि इनके पेट का सवाल है तो उस बेचारे चपरासी के पेट का भी सवाल है। बिल्कुल सर, दोनों को समानता से देखा जाए। जब जो है आप बरसों सेवा करते हैं और 2004 के बाद ब्यूरोक्रेसी को पेंशन की पात्रता नहीं है, तो बहुत सारे नेता 4-4, 5-5 और 6-6 पेंशन ले रहे हैं। यह समानता के विरुद्ध है। कोई कारण नहीं है कि किसी भी नेता को कोई भी पेंशन मिले। यदि पेंशन आवश्यक है तो वो ब्यूरोक्रेसी को पहले आवश्यक है, क्योंकि वो इतनी लंबे सेवा काल करते हैं, और तो उनको यदि किसी को पेंशन मिलना चाहिए तो ब्यूरोक्रेसी को मिलना चाहिए, और नहीं तो नेताओं को तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? जी जी, लाइफ टाइम तो नहीं मिलना चाहिए इनको भी। मैं ये कह रहा हूँ, पेंशन यदि ब्यूरोक्रेसी को नहीं मिल रही है तो इन्हें कदापि नहीं मिलना चाहिए। यदि आपको चपरासी की नौकरी पाने के लिए साचरित्र होना जरूरी है तो अपराधियों को राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। हम उसमें विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई ये कहता है कि साहब नेतागिरी में अपराध पंजीयन हो जाते हैं, तो हम उसको भी कोडिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके के जो है ना अपराध जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे और किस सीमा तक नहीं होंगे। यदि आपकी भाषा, आपका व्यवहार से जो है ना तोड़फोड़, अराजकता पैदा हुई है, तो वो निश्चित तौर पर इस मानसिकता के लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो हमारा तो वो है कि सीता जी भी परीक्षा देती हैं, तो यदि इनके विरुद्ध यदि गलत केस भी कायम हो गया है तो ये अपनी परीक्षा दें, जल्दी से अपना निकाल करके अपने आप को निर्दोष साबित कराएं। जी जी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सर। हमारे यहाँ तो जो है नैतिक दायित्व को निभाते हुए भी मंत्रियों ने अपने ऊपर जो है दायित्व लिया, और मंत्री पद से यदि ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो मंत्री पद से जो है ना इस्तीफा दे दिया। ऐसे ऐसे दायित्व के निर्वहन करने वाले मंत्री रहे हैं। हमें अपने उचित जो है चरित्र का प्रदर्शन करना चाहिए। आगे आगे, आगे। अब आप ये बताइए कि जो चुनाव के समय अपने स्वार्थ के लिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, यह इनका स्वयं का लाभ है जी। इससे देश का कोई भला नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो आ रहे हैं, ये जो पार्टी तंत्र है उनके कारण आ रहे हैं जी। और यदि हम खर्च रहे तो चुनाव व्यवस्था करेंगे। हाँ, खर्च करना एक संघीय नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा, जहां पर कि यदि आप एक से ज्यादा ऑफेंस करेंगे तो मिनिमम 7 साल की सजा होगी और उन्हें कॉन्जिक्यूटिवली चलाया जाएगा। तो यदि आपने 4 ऑफेंस कर दिए तो आप 28 साल के लिए जेल में पैक। हमें ऐसी कठोर व्यवस्था स्थापित करना होगी, तभी हम सही मायने में लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे, तभी हम सही मायने में अपने देश में स्थायित्व स्थापित कर पाएंगे। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है अब भिड़ जाइए, गली गली में संगोष्ठियां करिए, क्राइम फ्री भारत से जोड़िए, जिससे कि हम जो है 1 करोड़ लोगों की संख्या को क्रॉस कर सकें और सरकार से संवाद स्थापित करने का स्थिति में हम आए। देखिए, पुराने समय में भी आप देखिए, जब भी कोई आपत्ति आती थी तो हम लोग तपस्या करके वरदान या अस्त्र प्राप्त करते, राइट? ब्रह्मास्त्रों से लेके हर अस्त्र जो है वो तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
तो ऐसा ही क्राइम फ्री भारत को भी अलग तरीके की तपस्या करना है, जनता को जोड़ने की तपस्या करना है, जनता में प्रसार की व्यवस्था करना है, हम में से हर किसी को अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करके अपनी आवाज और हमें उनकी आवाज बनना होगा, जिसे हम थाली और दीपक के माध्यम से, यदि सरकार जो है अंधी है तो उस अंधे को भी दिखाई देने लग जाएगा, यदि सरकार जो है बहरी है तो उसे बहरे को भी सुनाई देना दे जाएगा, और हम उसे सकारात्मक संवाद स्थापित हुए यदि वो एक काम करेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे, यदि काम नहीं करती है तो उसे विवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो अपने अहंकार में विवश भी नहीं होता है तो उसे 2024 में बदल दें। बिल्कुल सर, आओ हम सब मिलके गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर इस पुनीत कार्य की इसका शपथ लें, संकल्प लें। सामने सर, साहू जी आपके सप्तक जो है आप में एनर्जी का संपादन हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल सर हुआ है। हुआ है तो फिर इसको ग्राउंड पे पैदा करिए, और हमारा जो है चर्चा अपने प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो चाहे हमारे प्रभाव क्षेत्र में चार लोग हों तो उन चार लोगों को जोड़िए जी, क्योंकि हर कोई यदि हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा देश जुड़ जाएगा। हम तो 50 करोड़ की बात कह रहे हैं, हम तो 137 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे जी सर। राइट राइट। यदि 137 करोड़ लोग जो है ना दीपक जलाएंगे तो पूरा भारत जगमग करेगा जी। उसके द्वारा बजाई हुई थाली जो है की जो शंखनाद जो है वो देवताओं को भी सुनाई दे जाएगा, सरकार को तो छोड़िए। बिल्कुल सर, देवता आप जैसे लोग ही देवता हैं समाज के। नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूँ। नहीं, एक साधारण सा प्राणी। हमारा व्यापारी समाज विष्णु समाज है, वही देवता है, जो बुद्धिजीवी है आप जैसे लोग वो ब्रह्मा जी की श्रेणी में आते हैं, तो देवता हम आप में ही बैठे हैं। हाँ, यदि हम जो अपना दायित्व है उसको यदि इस ढंग से निर्वहन करते हुए यदि हम अपनी चुनी हुई सरकार को सही काम के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यदि हम व्यवस्थ कर पाएंगे तो इस देश का भला होगा। जब हम क्राइम फ्री भारत के बारे में बात करते थे तो सब लोग कहते थे बहुत अच्छा है लेकिन नेताओं को पसंद नहीं है, तो ये नेता जो है देश के भले के लिए है या देश के बुरे के लिए? हेलो, ये स्वार्थ के लिए। 5 मिनट पहुंचा थे तो यदि ये नेता जिसमें से 42% क्रिमिनल हैं, ये जो है यदि इनके पास कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, तो हम इन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाए हुए हैं? इन्हें अच्छी बात यदि अच्छी नहीं लगती है तो सबसे पहले इन्हीं को हटाया जाए। आप ये देखिए 1861 के पुलिस एक्ट से आज भी आपकी पुलिस गवर्न हो रही है, और जब भी किसी पुलिस सुधार की बात की जाती है तो इनकी रूहें कांप जाती हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक माइल स्टोन जजमेंट दिया था जिसमें 7 बिंदु थे। ग्राउंड पे जो इन लोगों ने जो तामील किया है उससे पूरा पुलिस पूर्णतया चुंगल में आ गया है। आज एक सिपाही भी ऐसा नहीं है जो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के पोस्ट हो रहा हो, और इतना ही नहीं, ये पोस्टिंग के लिए भी पैसे ले रहे हैं, बने रहने के लिए भी पैसे ले रहे हैं। जो अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे देगा वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो जनता में डंडे मार के वसूल करेगा। तो जो आप कुछ डंडे खा रहे हैं उसके लिए ये नेता भी जिम्मेवार है। पुलिस जो मार रही है वो तो दिख रही है। बातें बात मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आप भिड़ जाइए, अब 2022 से 2024 का ही समय है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कृत संकल्पित व्यक्ति और कोई मिल नहीं सकता है, तो हमें इस बदलाव के लिए अपने शक्ति प्रदान करना चाहिए, और यदि वो शक्ति का एहसास करके वो सब काम कर देते हैं तो हमें उनका यशोगान करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। यदि वो नहीं सुनते हैं तो उन्हें व्यवस्था करना चाहिए, और यदि अपने अहंकार में वो इतने बड़े मरवाते हैं तो 2024 को उन्हें बदल दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, समय आएगा और जैसा आप हम सब लोग चाहेंगे वैसा ही होगा।
चलिए, तो आपको पुनः जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आओ हम सब लोग मिलके प्रण करें, आओ हम सब लोग मिलके अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जितना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमने जो 1 करोड़ का मिनिमम टारगेट तय किया है उसमें हम पहुंचे, और फिर हम दीपक थाली और वीडियो इन 3 जो है नीतियों के तहत शासन से सकारात्मक संबंध स्थापित करने की स्थिति में आए। बात ठीक है कि नहीं है? बहुत सही है, बहुत सही, बढ़िया है सर। चलिए, तो आप इसको शेयर करिए सभी लोगों के साथ और इसको जमीन पे उतारने की कोशिश करिए, और जो है अभी यूपी के चुनाव के बाद हम लोग और ज्यादा सख्ती से इस बारे में भिड़ेंगे। बिल्कुल मिलेंगे सर। हाँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।